नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपकी भी आदत है कि आप कई घंटे अपने आईने के साथ समय बिताते हैं तो दोस्तों इस जानकारी को सुनकर आप भी अपने घर के आईने से डरने लगेंगे। दोस्तों आईना खूबसूरती बताने के साथ ही साथ यह भयंकर राज भी खोलता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर आप अपनी सभी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। आपको बता दें कि घर को सजाने के लिए आईने का प्रयोग शुरू से ही किया जाता आ रहा है। यह घर को एंटिक लुक देने के लिए अहम भूमिका निभाता है। बेडरूम हो या फिर बच्चों का कमरा या फिर पति पत्नी का कमरा, आईना लगा देने से चार चांद लग जाते हैं। आईना व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। लोग आईने में खुद को निहारते हैं और संवारते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गलत तरीके से आईने का उपयोग करने से आपके घर पर भयंकर बर्बादी भी आ सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का साया हमेशा हमेशा के लिए आपके घर पर रह सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसे यह आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों नंबर वन, वास्तु शास्त्र के अनुसार ज़्यादा देर तक आईना कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में धीरे धीरे आप खुद अपनी बर्बादी का कारण बनते हैं। दोस्तों नंबर दो, खास तौर से एकांत समय में यानी रात के समय में भूलकर भी आईना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रात के समय आईने का एक अलग ही रूप होता है। आईना आपकी खूबसूरती बताने के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा होने का संकेत भी दे जाता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। रात के समय आईना देखने पर गलत ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है, आपके ऊपर हावी हो सकती है, इसलिए सावधान हो जाएं। दोस्तों नंबर तीन, वास्तु विज्ञान कहता है कि आईना चेहरा संवारने की जगह कई बार किस्मत भी बिगाड़ता है, क्योंकि आईने से संबंधित कई गलतियां होने पर स्वास्थ्य, धन और उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों नंबर चार, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी गलती आप कभी मत करना। बेडरूम में आईना कभी नहीं रखना चाहिए। यदि रखना जरूरी भी हो तो ऐसे स्थान पर रखें जहां पर उसमें सुबह उठने पर आपकी शक्ल बिल्कुल भी ना दिखाई दे, अर्थात आईने को आपका बिस्तर कभी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिस्तर के सामने आईने से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपको देख रही होती है, ऐसे में वो आप पर हावी भी हो सकती है और आपको अपने होने का एहसास भी दिला सकती है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में रखे आईने पर रात के समय सोते समय आप कोई कपड़ा डाल सकते हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का भय आपको नहीं रहता। दोस्तों नंबर पाँच, गलती से भी अपने घर पर टूटा हुआ आईना कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप अपनी बर्बादी का कारण खुद ही बन जाते हैं। ऐसा करने से कोई भयंकर दुर्घटना आदि आप पर हो सकती है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके टूटा हुआ आईना बाहर फेंक दें। दोस्तों अगर आप अपनी किस्मत को और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं या अपनी किस्मत पर चार चांद लगाना चाहते हैं, तो सुबह उठकर आप गलती से भी अपना चेहरा आईने पर ना देखें। इससे बढ़िया आप सुबह के समय अपने हथेली को देखें और ईश्वर को याद करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा सारे दिन आपके ऊपर बनी रहती है और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों जरूरी जानकारी ये है कि घर में अगर आप आईना लगाते हैं तो उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा या फिर पूरब दिशा में ये आईना रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार गोलाकार आईना अगर आप घर पर लगाते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता, परंतु आयताकार और वर्गाकार दर्पण का उपयोग घर पर करना बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों वहीं घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में आईने को भूलकर भी नहीं रखें, क्योंकि इससे इन दिशाओं में अगर आप दर्पण रखते हैं तो इससे कष्टों का आगमन आपके ऊपर होता है। आईने पर धूल मिट्टी कभी न जमने दें। घर के बेसमेंट या दक्षिण पश्चिम दिशा में या फिर नेतृत्व कोण दिशा में अगर स्नान घर या फिर शौचालय बना हो तो वर्गाकार आईना पूर्व दीवार पर लगाने से वास्तु दोष सब दूर हो जाता है।
दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।